भारत और इंग्लैंड का मुकाबला आज खेला जा रहा है और इस मुकाबले में हार्दिक पंड्या जो कि हमारे मेन ऑलराउंडर हैं वो नहीं खेल रहे हैं। हार्दिक पंड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ भी नहीं खेलते क्योंकि उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए चोट लगी थी, उसके बाद से वो फील्ड पर नहीं आए थे। उसके बाद से फिर खबरों में ऐसे आ रहे हैं कि हार्दिक पंड्या जो हो सकता है कि श्रीलंका के खिलाफ भी ना खेलते हुए नजर आए क्योंकि उनकी इंजरी जो है वो थोड़ी सी सीरियस है। लेकिन आपको बता दें कि एक बहुत गुड न्यूज़ आ रही है हार्दिक पंड्या की हेल्थ अपडेट को लेकर। हार्दिक पंड्या जो है वो शुक्रवार को उन्हें देखा गया था कि 10 मिनट उन्होंने बैटिंग करी थी, उसके बाद से फिर अगले दिन 30-40 मिनट उन्होंने इंडोर नेट्स प्रैक्टिस सेशन किया था, उसमें बल्लेबाजी करी थी 30-40 मिनट के लिए बल्लेबाजी करी थी और तेज गेंदबाजों का सामना भी किया था। तो ऐसे में हो सकता है कि हार्दिक पंड्या जो है वो जल्द ही मैदान पर वापसी करें। आपको बता दें कि हार्दिक पंड्या अभी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसी खबरें ऐसी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हार्दिक पंड्या के पैर में जो है वो मोच आ गई है, तो इस वजह से सूजन बहुत ज्यादा है और वो सूजन जब कम होगी तो हो सकता है हार्दिक पंड्या जो है थोड़ी सी हालांकि कम हुई है इसी वजह से वो बल्लेबाजी करते नजर आए थे, लेकिन अभी बॉलिंग के लिए वो इतने ज्यादा फिट नहीं है हार्दिक पंड्या, इसलिए उन्होंने सिर्फ बल्लेबाजी का ही प्रैक्टिस किया है और बहुत जल्द हार्दिक पंड्या जो है मैदान पर वापसी करेंगे। हालांकि आज का जो मुकाबला है वो नहीं खेल रहे, हो सकता है श्रीलंका के खिलाफ जो मुकाबला है वो भी नहीं खेले। 5 तारीख को जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला खेला जाना है भारत का, उसमें हो सकता है हार्दिक पंड्या खेलते हुए नजर आए। हालांकि बीसीसीआई के पास ऑप्शन था कि हार्दिक पंड्या को जल्दी से रिकवर कर दिया जाए, लेकिन बीसीसीआई चाहती है कि अभी नॉकआउट मुकाबले के लिए उन्हें तैयार रखा जाए क्योंकि जब सेमी फाइनल खेला जाएगा इंडिया के बीच या फिर कोई और टीम खेलेगी इंडिया से तो वहां पर हार्दिक पंड्या का रहना बहुत जरूरी है क्योंकि फिलहाल अभी तो हम पॉइंट्स टेबल में अच्छे खासे पोजीशन पर दूसरे नंबर पर हैं और इंग्लैंड से अगर आज जीत जाते हैं तो एक बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाएगी टीम इंडिया, नंबर 1 पर आ जाएगी और इसी के साथ साथ सेमीफाइनल में अपनी टिकट जो है वो कन्फर्म कर लेगी और पहली टीम बन जाएगी वर्ल्ड कप 2023 की जिसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। तो आज भारत का इंग्लैंड से जीतना भी जरूरी है लेकिन हार्दिक पंड्या जो है वो आएंगे, हो सकता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब मुकाबला हो तो खेलते हुए नजर आए या फिर हो सकता है जब नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबला तो खेलते हुए नजर आए, लेकिन बेसिकली बीसीसीआई का मोटिव यह है कि हार्दिक पंड्या को पूरा टाइम दिया जाए रिकवर करने का, कोई भी उनके साथ जबरदस्ती ना की जाए कि भाई आपको फिट होना ही और खेलना ही है, इस वजह से उन्हें नॉकआउट मुकाबले के लिए बचा के रखा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि हार्दिक पंड्या कब तक मैदान पर वापसी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।